मेरे ये जवान धरती माँ के लिए नहीं बुझेंगे, बल्कि इस किश्वर हसीन के लिए, इस पाक सर जमीन के उफक की खातिर एक नया सूरत तराश लाएंगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे इन जवानों में वतन की तामीर की करामत की खुशबू नजर आती है, बल्कि ये सर फेरे जवान हैं, अपने सरों को हाथों में लेके चलते हैं। इन जवानों के रास्ते में मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इन जवानों के रास्ते में अगर सफरे करबला भी आ जाए तो वहां इनका एक ही नारा होगा कि तख्तो तख्त में से एक चुना करते हैं, हम अजब रस्म से दुनिया में जिया करते हैं। तोप क्या चीज है, बंदूक किसे कहते हैं, हम तो टैंकों की सफे भी चीर दिया करते हैं। और हमें उस वक्त से मिलता है शहादत का सबक, माँ की गोद में जब हम दूध पिया करते हैं। और आज की ये शाम उन जवानों के लिए है, तो ये शेर मैं आपकी जात से आपके नाम से मंसूब करता हूँ कि शबे गुरेज़ां ही सही मना ली जाए, याद यारा से न कोई शाम खाली जाए, इससे पहले कि तुम हमसे जुदा हो जाओ, क्यों ना आज की ये शाम मना ली जाए। तो आज की ये खूबसूरत शाम PM 30 17 के नाम मोजस हज़रीन, खुदा करे कि ये तालियां इसी तरह बजती रहें। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं उस मुतबर्रिक हस्ती के नाम से कि जिसके लिए खालिक कायनात ने ये लहकते जंगल, महकती फसलें, चहकते तय्यूर और ये जलते तपते बेआबो गया सहरा बना दिए। मुझे तख्लीक कायनात इमामुल अंबिया के हुजूर अकीदत के फूल निछावर करने के लिए तशरीफ लाते हैं अली रजा और हम नवा। तू जा मन बुझा
और स्पेशली अगर बीएमटी 17 के जवान ताली बजाएं तो जन्नत नसीब करे, और अगर ताली नहीं बजाएं तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आखरत वाले दिन आप सबको ड्रिल पीटी वालों के साथ उठाएं। देखिए जी, तालियों की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। एक होती है तंदूर तालियां, एक होती है मजबूर तालियां, एक होती है मशहूर तालियां और एक होती है फोटोस्टेट तालियां। तंदूर तालियां काबिल-ए-एहतराम ख़वातीन बजाती हैं जो कि आज के प्रोग्राम में नहीं है। मजबूर तालियां जो है वो मोहतरम ऑफिसर साहिबान बजाते हैं, एक हाथ में चाय का कप होता है और दूसरे हाथ से यूं यूं। हालांकि हमने सुना है कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है लेकिन एक हाथ से भी बजा लेते हैं। उसके बाद होती हैं मशहूर तालियां जो मेरे जवान बजाया करते हैं, मिसाल के तौर पर उसके बाद होती हैं फोटोस्टेट तालियां जो मोहतरम जेसीओ साहिबान बजाया करते हैं। हमारे जेसीओ साहिबान ने सीनियर ऑफिसर साहिबान की तरफ देखना होता है, अगर सीनियर ऑफिसर साहिबान ताली बजाना है ठीक है, नहीं तो पाप बहुत ड्रामे वेखे, बड़े ड्रामे वेखे सानू आगे ड्रामा विखाण वास्ते। तो आपसे गुजारिश है कि आपने आज मशहूर तालियां बजानी है और तालियों की शक्ल में मेरे साथ टाइम जरूर मिलाना है, जिस तरह के दो सीनियर ऑफिसर साहिबान इंग्लिश में बात कर कैसे पास एक सुबदार साहब खड़े थे वो भी ऐसे। मेजर साहब ने कहा साहब हमने तो इंग्लिश में बात की है तब हंसे, आप क्यों हंसे भाई, आपको तो इंग्लिश समझ ही नहीं आती। तो सुबदार साहब कहने लगे सर इंग्लिश भावे कक समझ नहीं पर की करिए, थोड़े नाल टाइम तो मिलाना पैंदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे जीसीओ साहिबान ही टाइम लाते हैं, हमारे मोहतरम ऑफिसर साहिबान भी अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ टाइम लाते हैं। देखिए जी, फौज की एक मशहूर कहावत है कि हर जूनियर जो है वो अपने सीनियर के साथ टाइम जरूर मिलाएगा। इसी तरह कमांडर साहब लान में बैठे हुए हैं, उनके पास एक कर्नल साहब, मेजर साहब और एक कप्तान साहब खड़े। अच्छा, टेबल के ऊपर एक पानी का ग्लास पड़ा है तो कमांडर साहब ने यूं एक कंकर उठाया और यूं करके ग्लास में फेंक दिया और कर्नल साहब से मुखातिब होकर कह लगे हाँ भाई क्या नतीजा निकाला है। तो कर्नल साहब ने कहा सर नतीजा यही है कि ये जो कंकर है ना सर ये ठोस है और ये तैर नहीं सकता इसलिए डूब गया। उनका ठीक है। मेजर साहब से पूछा हाँ साहब आपने क्या नतीजा निकाला है, तो मेजर साहब भी कहने लगे सर ये ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, देखिए सर ये ठोस है ना ये तैर नहीं सकता ना सर ये ठोस है इसलिए ये डूब गया। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक, अभी कप्तान साहब की बारी थी, हाँ लड़के आपने क्या नतीजा निकाला है। तो कप्तान साहब कहने लगे सर कर्नल साहब बजा फरमा रहे हैं और मेजर साहब की बात भी ठीक है लेकिन सर जिस नतीजे के ऊपर मैं पहुंचा हूं वो ये है कि जिसको आपने छोड़ दिया समझो वो डूब गया। तो ये बड़ी मशहूर कहावत है कि हर जूनियर जो है वो अपने सीनियर के साथ टाइम मिलाता है। देखें आज का ये जो प्रोग्राम है ये आप लोगों के लिए मुनक्कद किया गया है, आज की ये शाम आप लोगों के लिए है, आपने हमारे साथ मिल के प्रोग्राम को शेयर करना है ताकि हमें पता चलना चाहिए कि हम बलोच सेंटर के जिंदा दिल जवानों में परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी तालियां, आपका हल्ला गुल्ला हमारे साथ होना चाहिए, खिलखिला कैसे। ऐसे नहीं आ सकते, अगर ऐसे नहीं आ सकते तो ऐसे नहीं। ऐसे नहीं कर सकते तो एक मरतबा यूं कर ले। ये जो पीछे बैठे यार अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते तो अपने मुंह को इस तरह बना के बैठे जिस तरह बड़े खाने वाले दिन जेक्यू साहब का मुंह होता है फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, एक चीज में आपके गोशो गुजार करता चलूं कि थैंक यू सो मच। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अटली टूपे ये एक पॉइंटेड टूपे है, इसके किसी खाके में गाने में डांस में कंपेयरिंग में कहीं भी आपको लेडीज कॉस्ट्यूम नजर नहीं आएगा। आप अपनी फैमिलीज के साथ बैठ के प्रोग्राम देख सकते हैं और जब हमारे मोहतरम ऑफिसर साहिबान जब सीनियर ऑफिसर हमारी महफिल में तशरीफ फरमा हो तो हमें और भी बावजू होकर प्रोग्राम करना पड़ता है, तहजीब के दायरे के अंदर रह के बातचीत करनी पड़ती है क्योंकि मुंह से निकली हुई बात कमान से निकला हुआ तीर और बेल्ट से निकला हुआ पेट कभी वापस नहीं आता, तो इस चीज का भी हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। देखिए चंद बातें मैं रिहर्सल के तौर के ऊपर करता हूँ क्योंकि फौजी हूँ, मजबूरी है, फौज में हर काम की रिहर्सल होती है। अभी देखें कोई आ रहा है कोई जा रहा है कोई उठ रहा है बैठ रहा है, हर काम की रिहर्सल होती है, आने की रिहर्सल, जाने की रिहर्सल, उठने की रिहर्सल, बैठने की रिहर्सल, जीने की रिहर्सल, मरने की रिहर्सल। और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों की शादियां सिविल में होती है, यकीन करें आप लोगों की शादियां सिविल में होती है, अगर फौज में होती तो सारी सर्वत रिहर्सलों में ही गुजर जाती। रिहर्सल की मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह रमजान शरीफ में कर्नल साहब ने यूनिट में ऑर्डर किया कि तमाम अफसर जो हैं वो डेली टी बार पे रोजा इफ्तार किए करेंगे और डेली एक अफसर जमात कराया करेगा। अच्छा, चूंकि पहला रोजा था और पहला दिन था, कर्नल साहब जमात के लिए जय नमाज के ऊपर खड़े हो गए, उनके एन पीछे जो मेजर साहब खड़े थे उनका कद थोड़ा लंबा था। अब जैसे ही कर्नल साहब रुकू में गए तो रिहर्सल नहीं थी, जैसे ही कर्नल साहब रुकू में गए तो मेजर साहब का सर कर्नल साहब से टकरा गया।
अब मेजर साहब रुकू में सोच लिया भाई नमाज तो होती रहेगी, नौकरी का बेड़ा गर्क हो गया जी। अब वो रुकू में ही कह रहे हैं, मेजर साहब रुकू में ही कह रहे सॉरी सर, बिल्कुल सच्ची बात है, रुकू में ही कह रहे सॉरी सर, कर्नल साहब समय लाल मन हमदा नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, कैरी ऑन। मोहब्बत भरी तालियों में मौजूद हाजिरीन में फिलहाल ये प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और खूबसूरत आवाज, और मैं आपको बताता चलूं कि हमने प्रोग्राम को कुछ इस तरीके से बैलेंस किया है कि हमने अपने तमाम सीनियर ऑफिसर साहबान की चॉइस को मद्देनजर रखा है, हमारे जेसीओ साहबान हैं, और आप जो शेर दिल जवान जिन लोगों के लिए ये प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, बड़ा एक हल्ले गुल्ले वाला प्रोग्राम होगा। और सबसे पहले हम अपने तमाम सीनियर ऑफिसर साहबान के लिए एक गीत लेके आ रहे हैं, एक लाइट सॉन्ग इस शेर के साथ कि वो हुस्ने मुजस्सम कमाल उसकी आंखें सिरापा मोहब्बत जमाल उसकी आंखें, मैं जब भी उससे सवाल पूछूं मुझे रोज देती है डाल उसकी आंखें, वो बेचे तो दोनों जहां दे के ले लूं, वो चेहरा वो ज़ुल्फ़ें वो बाल उसकी आंखें, अगर कोई पूछे कि दुनिया में क्या है ज़माना देगा मिसाल उसकी आंखें। ने महफिल आपकी भरपूर तालियों में खूबसूरत फाइट सॉन्ग लेके आ रहे हैं, अटली टूपे के लीड सिंगर द वन एंड ओनली अजहर अली।
लगता दिल मेरा ढोलना, मेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। अच्छा उसका क्या रिएक्ट है इस जुमले के ऊपर? एक खाच दी खाच ना होए थे जी एच एम लौटते थे मुंह वाला गुड़ बरेंदाई आता कि ये शेर थे बकरी एक जाते पींदे कुत्ता बकरी नल बह के राजी नहीं रहे पागल का पुत्र शेर थे बकरी एक जाते पानी पाई खलाई क्यों सिंधी पास ही एक सिंधी खड़ा था देखे हम पंजाबियों को मच्छर काटता है बलोची भाइयों को मच्छर काटता है पठान कश्मीरी भाइयों को मच्छर काटता है वाहिद हमारे सिंधी भाई इनको मच्छर नहीं काटता मच्छर जब घूम घूम करके इनके पास आता है आगे से हाथ जोड़ के खड़े हो जाते अरे मिलना था यहाँ पे जान मुखे ऐसा जो खैरपुर चाड़ियो हाँ भा अच्छा उसका क्या रिएक्ट है इस जुमले के ऊपर तो पास है कुरान का नाम लो सही हम टीवी के ऊपर शेर देख ले तो डर के मारे टीवी बंद कर रहे तो बात नहीं पीएचएम झूठा तो बात क्यों पठाना पास ही खान साहब खड़े थे क्या बात है बड़ी माजरत के साथ अपने पठान भाइयों से उर्दू का मुजक्कर मुअन्नस ठीक नहीं वालिद आती है वालदा जाता है अल्लाह ताला फरमाती है एक खान साहब नहर में डूब रहे थे डूबते डूबते उनके हाथ में मछली आई उसको खुशकी में फेंक के कहते चिल्ला का तुम तो अपना जान बचाओ हमारा अल्लाह मालिक अब उसका क्या रह गया वो सिंधी वो यारा ये बीएचएम ये बकवास करते हैं यारा इसका ये बात मानने वाला नहीं है कि शेर और बकरी एक जगह पर पानी पीता है हाँ सीएचएम बोलता है कि शेर और बकरी एक जगह पे एक चूंडी नस्वार रखता होगा ये बात मानने वाला है ये पानी पीने वाला बात नहीं है क्यों पापा पास ही पिंडी का पापा खड़ा था हाय हाय मैं सदके क्या बात है गल चीन दी हो रही है जापान फ्रांस इटली पेरिस जर्मनी हद तक एटम बम की गल हो रही है पिंडी ने पापे किसी ना किसी पशु अपनी स्टोरी विच फिट करनी होनी अब देखे वो शेर और बकरी एक जगह पे पानी भी इतने कितने अपनी स्टोरी फिट करता ओ पापा मैं आखा सब पिंडी ने बंदे बहुत कूड़ मारने पर सीएचएम दा खुदा दी कसम साढ़े तू ही बुरा लाई पापा मैं तुसा की दसना हाँ असने ग्रां भी शेर अचना मैं एक दिन चला गया जंगल शेरा ना शिकार करने से माड़े सामने शेर अच्छी गया मैं छिको जनिया शेरा ने सामने शेर अच्छी गया मैं पापा शेरा ने अखी चखा पाई के तकिया शेरा भी माड़ी अखी चखा पाई के तकिया अल्लाह पापा जदू मैं शेरा ने अखी चखा पा के तकिया मैं वेख्या शेर दी अखा पी लिया मैं आख्या कि पापा शेर तू कि शेरकान तो नहीं शेर माड़ी गल ना गुस्सा खाई गया उस अपनी पूछो लाई मैं सज्जा तक गया खब्बे तक माड़ी तो पूछो नहीं कोई ना मैं फिर शेर की इं टाटा किया शेर गुस्सा करी गया माड़े पीछे लगा अगे अगे मैं नसा पीछे पीछे शेर दगोड़ 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 अच्छा माड़े जहन दिमाग की तरकीब भाई मैं शेर की पीटी ग्राउंड खड़िया दो मील कराया चिन अप कराए पुश अप कराए साल कोर्स ग्राउंड है बाबा शेर की नहीं गया मैं छे फुटी दीवार पाई क्रालिंग कराई अला बाबा जदू मैं फुटी दीवार है गया ना मैं पीछे मुड़ी तकिया मैं आख्या पापा शेर तो पीछा नहीं छोड़ना पिया मैं शेरा की गर्दनी दी पगड़ी पटाकी इधर मारिया इधर मारिया शेर परेशान हो गया माड़े गया ना पापा गल सुनो तू करा फौजी तो नहीं मैं आख्या आहा ना कहना फिर ताड़े नाल दे मत्था ला नहीं बेवकूफी है वैसे एक तंज़ो मज़ा था और जब इतने जिंदा दिल लोग मेरे सामने बैठे हुए होते हैं तो मेरी ये कोशिश होती है कि एक अच्छे से अच्छा मैसेज आप लोगों तक पहुंचाया जाए देखें ये प्यारा पाकिस्तान जो है ये हमने लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल किया है इसमें बसने वाले हम सब पाकिस्तानी हैं आज एक साजिश की जा रही है किसी को सिंधी कहा जा रहा है किसी को बलोची पठान कश्मीरी हमें लड़ाने की एक साजिश की जा रही है हमने इस साजिश को नाकाम बनाना है हम सब ने मिलकर क्योंकि ये प्यारा पाकिस्तान ये हमारा है और इसमें बसने वाले सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं हाँ अगर हम में कोई सिंधी है तो वो पाकिस्तान की सरबुलंदी है
अगर कोई बलोच है तो वो पाकिस्तान की सोच है, अगर कोई पठान है तो वो पाकिस्तान की जान है, अगर कोई गिलगित बल्तिस्तान है वो पाकिस्तान का मान है, अगर कोई कश्मीर से है तो वो पाकिस्तान की शमशीर है, और अगर कोई पंजाबी है तो वो पाकिस्तान की कामयाबी है। ये प्यारा पाकिस्तान एक गुलदस्ते की मानत है, इसके सारे सूबे इसमें फूलों की हैसियत रखते हैं, उन्हीं की अकासी करता एक खूबसूरत गुलदस्ता अटली टूपे के फनकार आपके सामने पेश करेंगे इन दुआए कलिमात के साथ। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल के जिसे अंदेशाए ज़बान ना, जहाँ जो फूल खिले वो हमेशा खिला रहे, यहाँ से फिजा को गुजरने की मजाल ना, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सरसब्ज रहे, और ऐसा सरसब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना, और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुड़ ना हो, जिंदगी बबाल ना हो। पेशी खिदमत है खूबसूरत गुलदस्ता। अब्दुल
I'm gonna hold on to you.